संधि योसेफ पवित्र कलीसिया का संरक्षक एवं पिता। यदि मैं आपसे पूछूं कलीसिया क्या है तो आपका क्या उत्तर होगा? हम कहेंगे ईश्वर की प्रजा का मंडली, समुदाय। अलग अलग रूप से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं, लोग जवाब देते भी हैं, लेकिन वचन कहता है कि पवित्र कलीसिया प्रभु येसु का शरीर है। संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखते हुए अपने पहले पत्र अध्याय 12 में कहते हैं, कलीसिया प्रभु येसु का शरीर है और हम हर एक उस शरीर के एक एक अंग हैं। यानी आप और मैं प्रभु येसु के शरीर के अंग हैं। तो कलीसिया जीवित है, ये कोई मरी हुई नहीं है, ये जीवित शरीर है। इसका विकास हर दिन होता है। इस रहस्यमय शरीर में आप और मैं इस कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर संतों की संगति में, उनके संरक्षण में। इस संदर्भ में हमें प्रभु येसु के शरीर धारण पर हमें मनन करने की जरूरत है। प्रभु येसु जो त्रिएक ईश्वर में दूसरा व्यक्ति है, पुत्र ईश्वर मरियम से शरीर धारण किए, मरियम से शरीर लेकर इस दुनिया में मानव रूप में जन्म लिए। गर्भवती मरियम संत योसेफ के संरक्षण पाई थी। ईश्वर संत योसेफ को उनके रक्षक के रूप में, उनके पति के रूप में दिए। संत योसेफ मरियम जो गर्भवती हैं, उनका देखरेख किया करते थे। उसी प्रकार हम भी एक प्रकार से मां कलीसिया के गर्भ में हैं। जरूर दोनों हम कार्य भी कर रहे हैं, साथ ही हमारा भी निर्माण हो रहा है। हम प्रभु येसु के रूप को धारण कर रहे हैं, ईश्वरीय जीवन को ग्रहण करके, ईश्वरीय जीवन के सहभागी होकर प्रभु येसु के समान हम बनाए जा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम मां कलीसिया के गर्भ में आज हमारा निर्माण हो रहा है। जैसे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 में हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद कहते हैं कि ईश्वर उनके शरीर का निर्माण किए। उसी प्रकार आज हम हर एक का निर्माण हो रहा है मां कलीसिया के गर्भ में। जैसे प्रभु येसु मां मरियम के गर्भ में रहे और उनका देखभाल, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी संत योसेफ को ईश्वर द्वारा दिया गया था, उसी प्रकार आज हम हर एक जो मां कलीसिया के गर्भ में रहकर हम प्रभु येसु का रूप धारण कर रहे हैं, ईश्वरीय जीवन हम ग्रहण करके येसु समान बनाए जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, इस मां का संरक्षण भी ईश्वर संत योसेफ के हाथ में सौंपे हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि येसु का जन्म बैतलहम में हुआ था। बैतलहम शब्द का अर्थ है रोटी का घर। प्रभु येसु जो स्वर्ग से उतरी रोटी है, जीवंत रोटी है, वो हमें अपने आप से पोषित करते हैं, अपने शरीर और रक्त से हमें पोषित करते हैं, वो बैतलहम में जन्मे। इस संदर्भ में हमें पुराने विधान का एक योसेफ जो याकूब का पुत्र है, उन्हें हमें याद करने की जरूरत है। आपको जरूर याद होगा योसेफ 12 भाइयों में से एक थे, 11वां भाई। उनको उनके भाई लोग नफरत करते थे और उन्हें बेच दिए, और जो खरीदे उन्हें व्यापारी लोग, उन्हें मिस्र देश। मिस्र में फिराउन राजा कुछ समय बाद उन्हें देखरेख करने के लिए, यानी बंदोबस्त करने के लिए, धान एकत्र करने के लिए, रोटी देखरेख करने के लिए, यानी लोगों को खिलाने की जिम्मेदारी योसेफ को दी गई थी, यानी वहां धान बचाए रखने का। कारण यह था कि वहां अकाल पड़ने वाला था, बंदोबस्त करने का, भोजन लोगों को खिलाने का बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी उस योसेफ को दिया गया था पुराने विधान में। और इस नए विधान में हम एक योसेफ को देखते हैं, ईश्वर उन्हें निर्धारित करते हैं, उन्हें नियुक्त करते हैं लोगों को रोटी खिलाने के लिए। यह कोई साधारण रोटी नहीं, बल्कि स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी। वो भी रोटी कहां पर उतरा, कहां पर जन्म लिए? बैतलहम, रोटी का घर। देखिए आज भी संत योसेफ एक कार्य संपन्न करते हैं, जारी रखते हैं। कलीसिया, जैसे मैंने कहा, प्रभु येसु का शरीर है। पिता ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को मिशन में भेजे, हमारा ईश्वर के साथ मेल मिलाप कराने और ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित करना
प्रभु येसु का मिशन था। उस मिशन के तहत प्रभु येसु अपने आप को बलि चढ़ाए, हमें हमारे पापों से छुड़ाए, और उस मिशन कार्यों को यानी उनके इन कार्यों के फलों को हम हर एक को देने के लिए कलीसिया का निर्माण किया। तो आज कलीसिया प्रभु येसु का स्थान ग्रहण करके उनके मिशन कार्य आज जारी रखती है। तो इसलिए जैसे संत योसेफ प्रभु येसु के साथ रहकर उनको तैयार किए, उनकी रक्षा किए, उसी प्रकार आज भी संत योसेफ हमारे साथ रहकर हमें शिक्षा देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं एक पिता के रूप में। कलीसिया यात्री है, यात्री कलीसिया है, हम बार बार कहते हैं। हम यहां से स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं, ईश्वर के घर की ओर, ईश्वरीय परिवार की ओर, क्योंकि हम वहां जाकर उस ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित होने वाले हैं, ईश्वरीय परिवार के सदस्य बनने वाले हैं। तो इस यात्रा में हमारी रक्षा करने के लिए ईश्वर अपने पुत्र प्रभु येसु के पालक पिता को हमें दिए हैं। हम येसु को देखते हैं तीन यात्रा में, विशेष रूप से हम उनको याद कर सकते हैं, जहां संत योसेफ उनकी रक्षा करते रहे। सबसे प्रथम नासरत से बेतलहम आना, गर्भवती मरियम के गर्भ में येसु थे और संत योसेफ उनकी रक्षा करते हुए उनके साथ चले। प्रभु येसु का जन्म बेतलहम में हुआ, वहां से मिस्र भागना पड़ा, उस यात्रा में भी वो उनकी रक्षा और सुरक्षा करते रहे, संरक्षण देते रहे। उसी प्रकार मिस्र से नासरत, नासरत में भी हम उनको देखते हैं बार बार यरूशलेम आना जाना, ईश्वर के मंदिर जाने का। इन सब कार्यों में, इन यात्राओं में संत योसेफ उनका मार्गदर्शक और उनका रक्षक और उनका पिता रहे। वही कार्य आज माता कलीसिया की संतान हम जो हैं, हमारी देखरेख संत योसेफ कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हम यात्री हैं इस दुनिया में, इसलिए शैतान जो कलीसिया पर आक्रमण करता है, उसको हराने का, उसको नष्ट करने का भी अधिकार ईश्वर संत योसेफ को दिए हैं। ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को संत योसेफ के संरक्षण में देने से नहीं हिचके। तो क्या प्रभु येसु के शरीर रूपी इस कलीसिया को उनके हाथ में, उनके संरक्षण में देने से हिचकेंगे? कदापि नहीं। इसलिए आज हम जो कलीसिया के सदस्य हैं, हमें चाहिए कि हम उनके संरक्षण में जाएं। आज भी कलीसिया बाहरी और आंतरिक दुश्मनों का सामना कर रही है, ना केवल बाहर के बल्कि अंदर के ही, हम में या अन्य लोगों के द्वारा दुश्मन यानी शैतान आज कलीसिया में घुसा है या बाहर से भी कलीसिया पर आक्रमण करता है। तो इसमें भी संत योसेफ के संरक्षण हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमें उनके अधीन में जाना, जैसे प्रभु येसु अपने आप को ईश्वर होते हुए भी संत योसेफ के संरक्षण में आत्मसमर्पण किए, उनके अधीन रहे। हम वचन में पढ़ते हैं प्रभु येसु, बालक येसु जाकर उनके माता पिता के अधीन रहे ईश्वर होते हुए भी। तो आज हमें संत योसेफ और मरियम के अधीन उनके संरक्षण में रहने सीखना है। और दूसरी बात, प्रभु येसु हमारे भाई हैं। जी, आप सही सुने, प्रभु येसु हमारे पिता नहीं है। कहीं कहीं हमें सुनने को मिलता है कि येसु हमारे पिता है, नहीं, वो गलत है। येसु हमारे पिता नहीं हो सकते हैं, येसु के पिता हमारा पिता है। उस पिता की संतान हम सब हैं, पिता ईश्वर की। तो येसु उस ईश्वरीय परिवार के पहलौटे हैं, वे ही पिता ईश्वर के निजी पुत्र हैं, हम सभी गोद लिए गए पुत्र पुत्रियां हैं। तो हमें भी संरक्षण देने के लिए ईश्वर संत योसेफ को नियुक्त किए हैं। तो आज भी संत योसेफ हमारा देखरेख करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें रोटी खिलाते हैं, साधारण रोटी नहीं, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी का व्यवस्था संत योसेफ आज भी हमारे लिए करते हैं। तो आइए हम इस महान संत के लिए, जो आज भी कलीसिया का संरक्षण कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, देखरेख कर रहे हैं, उसको ईश्वरीय कार्य में जीने के लिए, ईश्वरीय कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हुए कलीसिया के लिए भी हम संत योसेफ के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी प्रभु येसु के समान उनके संरक्षण में रहना स्वीकार करें, अपने आप को आत्मसमर्पण करके ईश्वर की इच्छा अनुसार जीने की कृपा ईश्वर हमें दे। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हुए ये भी ध्यान में रखें,
कि हम जो मनुष्य हैं, हम पापी हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन कलीसिया पवित्र भी है क्योंकि वो प्रभु येसु का शरीर है, प्रभु येसु इसका शीर्ष है। तो हम पवित्रता में जीने की कृपा हम मांगे, ताकि कलीसिया जो प्रभु येसु के कार्य को, उनके मिशन को जारी रखने की जिम्मेदारी ली है या दी गई है उन्हें, वो जिम्मेदारी को निभाने में ईश्वर हमें संत योसेफ के द्वारा मार्गदर्शन, संरक्षण और आशीष प्रदान करें। ईश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करें।